नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितिका सिंह। तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका महायुद्ध और ज्यादा भीषण और विनाशकारी हो चला है, और ऐसे में अब पूरा का पूरा जोर जो है राजधानी कीव पर आ चुका है। दोनों देशों की सेना आमने सामने है, और ऐसे में अब पूरी घेराबंदी के बाद रूसी सेना इस फिराक में है कि एक बड़ा हमला राजधानी कीव पर किया जाए। ऐसे में 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपको बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध के 18 दिन पूरे हो चुके हैं, 400 से ज्यादा घंटे पूरे हो चुके हैं, और रूस की सेना लगातार हमले तेज करती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश सामने आ रहे हैं, लेकिन रूस ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इन सब चीजों के बीच नाटो ने केमिकल वॉर की आशंका जताई है। यूक्रेन ने भी रूस को धमकाया और राजधानी कीव से दूर रहने को कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर कीव को लेने की कोशिश की तो मौत मिलेगी। रूसी हमलों के तेज होने के साथ ही पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है, और लोगों से बंकर में रहने की सलाह दी गई है। ये 5 तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से पूरा का पूरा चक्रव्यूह अब रूस की सेना की तरफ से बना दिया गया है, और ऐसे में अब ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि धमकी अगर रूस दे रहा है तो ऐसे में इस धमकी से हम डरने को तैयार नहीं है, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त यहां पर। और यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के फाइटर प्लेन को मार गिराया है। इसका वीडियो भी उसने जारी किया है, हालांकि पायलट ने खुद को बचा लिया है। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से यूक्रेन ने इस रूस के फाइटर प्लेन को मार गिराया है, हालांकि पायलट ने खुद को बचा लिया है, पायलट की जान बच गई है। लेकिन इसी तरीके से ड्रोन के जरिए, मिसाइल अटैक के जरिए यूक्रेन भी लगातार मुंहतोड़ जवाब रूस की सेना को देता हुआ नजर आ रहा है, और अब एक और नुकसान रूस को पहुंचाया गया है इस फाइटर प्लेन को ध्वस्त करने के साथ ही। महायुद्ध के 18 दिन पूरे हो चुके हैं, और ऐसे में शहर दर शहर किस तरीके से तबाही का मंजर इस वक्त चारों तरफ देखने को मिल रहा है, वो ये तस्वीरें बयां करती हुई दिख रही है। और ऐसे में अब क्या दोनों देशों के बीच में किसी तरह का सुलह का रास्ता बन पाएगा, क्या बातचीत हो पाएगी, क्योंकि बातचीत का ऑफर भी ज़ेलेंस्की देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 18 दिन बाद अब इस पूरे महायुद्ध की क्या कुछ रूपरेखा, क्या कुछ भविष्य